लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट किया था। अभी मैंने जूम लेक्चर लिया बट नेटवर्क का आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम वीडियो लेक्चर से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जूम लेक्चर का यूज हम डाउट सॉल्यूशन के लिए करेंगे। क्वेश्चन 4 सम्स है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर 3a माइनस 7b माइनस 7c का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर a अपॉन 4 माइनस b अपॉन 2 प्लस 1 द होल स्क्वायर। आज हम पढ़ेंगे a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर बेस फॉर्मूला। ऑलरेडी 8th में आप पढ़ चुके हो a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान रखना जो इसका लिखने का स्टाइल है ना, प्रेजेंटेशन, वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला दो पार्ट में डिवाइड है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए एक सम ले रहा हूं x प्लस 2y एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, राइट। जैसे मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca बोला वैसे ही बोलता हूं मैं, लेकिन एबीसी लिखूंगा नहीं, बोलूंगा जरूर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला मैंने लिखी है, लेकिन मैंने ए बी सी ए बी बी सी ए लिखा नहीं है। फर्स्ट टर्म एक्स, सेकंड वाई, थर्ड जेड। एक्स टू वाई फोर जेड, जो साइन है उसके साथ ही प्लस एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड। पहला पार्ट कंप्लीट। अब दूसरे पार्ट में जाता हूं। ए बी, अब इजीली याद रखने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फर्स्ट, लेकिन साइन का ध्यान रखना, जो साइन है वही आपको लिखना होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब सिंप्लीफिकेशन, x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4z स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, सबका मल्टीप्लीकेशन करें तो 4xy, 2 इंटू 2y इंटू 4z, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz, प्लस 2 4 जा 8 एक्सैक्ट। क्लियर हो गया? अगर मैं ये सम को करना चाहूं तो 2x माइनस y प्लस z द होल स्क्वायर, तो क्या, पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, यहां पे क्या आएगा 2x, यहां पे माइनस y, यहां पे z, यहां पे 2x एंड माइनस y, फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे सेकंड एंड थर्ड, माइनस y एंड z, और यहां पे z एंड 2x। ये सब मैं करके बता रहा हूं आपको। लेता हूं अब आपको मैं 5th नंबर का सम, जिससे आपको डायरेक्टली सब कुछ समझ में आ जाएगा। साइन बी, इसमें वैरायटी ऑफ साइन है, ये सम करना है। चलो पहले तो फॉर्मूला बोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, आपको इसी सिस्टम में लिखने का, इसको इस पर एक लाइन में टू ए बी टू बी सी टू सी ए, माइनस टू एक्स फाइव वाई माइनस थ्री जेड, पहले दिन का पूरा दूसरा पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड माइनस टू एक्स एंड फाइव वाई, यहां से लिखो यहां से लिखो, सेकंड थर्ड फाइव वाई एंड माइनस थ्री जेड, थर्ड एंड फर्स्ट माइनस थ्री जेड माइनस टू एक्स, क्लियर। सो माइनस टू का स्क्वायर होता है प्लस, बेटा ये स्क्वायर करते हो ध्यान रखना, दोनों टर्म का स्क्वायर करना है, माइनस टू का स्क्वायर फोर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर, माइनस थ्री जेड स्क्वायर नाइन जेड स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर फाइव जा ट्वेंटी एंड प्लस माइनस 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 ट्वेंटी एक्स वाई, टू फाइव जा टेन थ्री जा थर्टी प्लस माइनस माइनस थर्टी वाई जेड, टू थ्री जा सिक्स टू जा ट्वेल्व प्लस माइनस 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 प्लस एक्सजेड या जेड एक्स, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर। कोई डाउट? तो फ्रॉम दिस वे वी कैन अप्लाई ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर मेथड। अब प्रैक्टिस के लिए मल्टीप्लीकेशन तो आपको आ जाएगा, खाली मुझे प्रैक्टिस के लिए बताना। अच्छा ये सम भी ले लेते हैं, फ्रैक्शन वाला सम है, ए अपॉन फोर माइनस बी अपॉन टू प्लस वन द होल स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, फर्स्ट इज ए बाय फोर, सेकेंड इज अ माइनस बी बाय टू, थर्ड इज अ वन। अब इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ए बाय फोर माइनस बी बाय टू, सेकेंड एंड थर्ड माइनस बी बाय टू एंड वन, थर्ड एंड फर्स्ट वन एंड ए अपॉन फोर, ए बाय फोर स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, बी केयरफुल बेटा माइनस की साइन है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, ऐसे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पॉजिटिव होने वाला है, बी स्क्वायर बाय फोर वन का स्क्वायर वन प्लस, ध्यान से बेटा टू ए बी बट प्लस माइनस माइनस, टू ए बी अपॉन फोर टू जा एट प्लस माइनस माइनस, टू वन जा टू बी अपॉन टू प्लस टू वन जा टू ए बाय फोर। अब अगर कैंसलेशन होता हो तो टू फोर जा टू 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 फोर जा, सो आंसर इज ए स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन बी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस वन माइनस ए बी अपॉन फोर माइनस बी माइनस ए अपॉन टू। सो फ्रॉम दिस वे वी कैन डू ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। सो अभी तक बेटा हमने जब से ये चैप्टर चालू किया है तब से अभी तक में कितने फैक्टराइजेशन के सम्स किए हैं, तो सबसे पहले मैंने किया था क्वाड्रेटिक, लास्ट टर्म के फैक्टर निकालो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म होना चाहिए, आपने वीडियो देख लिया होगा। उसके बाद हमने किया था सिंथेटिक मेथड, है ना, उसके बाद 2.5 के फर्स्ट क्वेश्चन में आ गए थे जिसमें यूनिवर्सल मेथड था, फर्स्ट टर्म सेम नहीं हो तो भी चलेगा, फॉर्मूला मेथड था और ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ फाइंड द वैल्यूज थे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का मेथड है था। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैप्टर टू का वीडियो बार बार देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी मेथड है, ठीक है, थैंक यू।